नमस्कार, आज मैं बना रही हूँ व्रत के लिए चीला, फलाहारी चीला। तो इसके लिए मैंने लिया है सिंघाड़े का आटा एक कटोरी, थोड़ा सा मैंने घिया लिया है 3-4 चम्मच, और एक बॉइल्ड आलू जिसे मैंने कद्दूकस करके ले लिया है, हरा धनिया, हरी मिर्च, सेंधा नमक और काली मिर्च पाउडर। तो सबसे पहले जो ये सिंघाड़े का आटा है इसमें हम पानी डाल के इसका एक घोल बनाएंगे। अब इसमें डालेंगे हम नमक, काली मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, और ये घिया जिसे हमने कद्दूकस किया हुआ है, ये आलू कद्दूकस किया हुआ, धनिया, हरी मिर्ची। यदि आप अदरक खाते हैं तो अदरक भी आप इसमें कद्दूकस करके डाल सकते हैं। बैटर हमारा तैयार है, अब चीला बना लेते हैं। मैंने एक पैन रख लिया गैस पे, तवा हमारा गरम है, इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा घी, इसमें हम थोड़ा सा मैटर डालेंगे और इसको फैला लेंगे हल्के हाथों से। ऊपर से थोड़ा सा हम घी डाल लेते हैं, इसके ऊपर से इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसको हम पलट लेंगे। चीला दूसरी तरफ से भी सिक गया है, अब इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। ऐसे ही हम दूसरा बना लेते हैं। तैयार है हमारे व्रत के लिए चीले। इसे मैं हरी चटनी और मूंगफली की चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। तो आपको कैसी लगी मेरी ये रेसिपी, ये कमेंट करना ना भूलें।